ट्रिपल एच के राज में WWE पूरी तरह से बदल चुकी है। व्यूअरशिप्स तो बढ़ी हैं, साथ में अब कोई फिलर सेगमेंट्स नहीं दिखते। वीकली शोज के ऊपर रेसलिंग और स्टोरी लाइंस पर ध्यान दिया जा रहा है। लॉन्ग टाइम पेंडिंग थी ये चीज़। मंडे नाइट रॉ पर आज कौन सा मिस्ट्री सुपरस्टार अपेयर हुआ जिसको पुलिस उठा के ले गई? इसके अलावा कौन कौन से इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स से सबको देखेंगे वन बाय वन। रोमन रेंस क्लैश ऑफ द कासल में क्या अपनी टाइटल्स लूज करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्या रिपोर्ट्स आई हैं, करेंगे सारी बातें। सो हेलो गाइज, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पॉप कल्चर रेसलिंग। रॉ को ओपन किया आज बेली ने अलॉन्ग विथ इयो स्काई एंड डकोटा काई। बेली रिंग में आकर एक अच्छा सा प्रोमो कट करती हैं। ट्रैश टॉक कर रही थी बेली क्राउड के साथ और क्राउड भी कॉन्स्टेंटली बू कर रही थी बेली को। हद तो तब हो गई जब गलती से बेली ने डकोटा स्काई बोल दिया डकोटा काई को, और फिर बेली ने इसका ब्लेम भी क्राउड पर ही डाल दिया। एनीवे, इसके बाद निकल के आई एलेक्सा ब्लिस, आस्का एंड रॉ वुमेंस चैंपियन बियांका बेलेयर। इनकी कन्फ्रंटेशन से ये कंक्लूजन निकला कि क्लैश ऑफ द कासल में इनका 3-on-3 टैग टीम मैच होगा। बेली अभी डायरेक्ट वुमेंस चैंपियनशिप के लिए नहीं जा रही हैं, शायद क्लैश ऑफ द कासल के बाद इसके बारे में कुछ प्रोग्रेस हो बिटवीन बियांका एंड बेली। यहाँ इस सेगमेंट के एंड में बियांका बेलेयर ने बेली से कहा कि तुम कंट्रोल कर रही हो लेकिन आई विल नॉट। इसके बाद यहाँ पर ब्रॉल स्टार्ट हो गई और ये ब्रॉल काफ़ी इंटेंस हो गई। इनको अलग करने के लिए ऑफिशियल्स को आना पड़ा। केओटिक ओपनिंग हो गई रॉकी, सो एक्साइटमेंट वेंट ऑन अनदर लेवल। इसके बाद शो के ऊपर मैच था सेथ रॉलिंस वर्सेज एंजेलो डॉकिंस ऑफ द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। लास्ट वीक मोंटेज फोर्ड एंड सेथ रॉलिंस ने एक बढ़िया मैच दिया था, आज एंजेलो डॉकिंस के साथ भी सेथ रॉलिंस ने कमाल का मैच दिया। एंजेलो डॉकिंस रिंग में बहुत अच्छा मूव कर रहे थे। मैच के बीच में मोंटेज फोर्ड गुस्सा हो गए रिंग साइड के ऊपर और चेयर लेके रिंग में घुस गए। उस पर क्राउड तो जैसे पागल हो गई थी। मोंटेज फोर्ड अब सुपरस्टार बन चुके हैं, ये गारंटेड है। बहुत जल्दी हम उनको टॉप टाइटल की रेस में देखने वाले हैं। मैच के एंड में सेथ रॉलिंस ने डॉकिंस को पेडिग्री लगा के हरा दिया। बहुत टाइम बाद रॉलिंस ने पेडिग्री यूज़ किया। हालांकि सेथ रॉलिंस की चुल खत्म नहीं हुई मैच जीत के भी, तो एक कर्ब स्टॉम्प भी लगा दिया डॉकिंस को। बाय द वे, ये स्टोरी लाइन आगे नहीं बढ़ने वाली है बी श्योर, क्योंकि नेक्स्ट वीक रिडल रिटर्न कर रहे हैं। रिडल के साथ रॉलिंस की फ्यूड मनी इन द बैंक से ही चल रही है। ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है क्लैश ऑफ द कासल में रिडल वर्सेज सेथ रॉलिंस ही देखने को मिलने वाला है। इजीकियल काफ़ी टाइम के बाद नजर आए रॉ के ऊपर। आई थिंक मनी द बैंक क्वालिफायर मैचेस के टाइम से ही वो गायब हो गए थे अचानक से। आज मैच था इजीकियल वर्सेस केविन ओवेंस का। ये केविन ओवेंस आज हमें वही पुराने वाले दिखे जो हमें उनको NXT के ऊपर हमने देखा था, और मेन रोस्टर पर जब केविन ओवेंस ने डेब्यू किया था अगेंस्ट जॉन सीना तब देखा था। मैच नहीं था ये, बेसिकली फाइट ही थी छोटी सी, जिसके एंड में केविन ओवेंस ने एप्रन के ऊपर इजीकियल को पावर बॉम्ब लगा दिया, जिसके बाद उनको स्ट्रेचर पर डाल के बैकस्टेज ले जाया गया। इसको एनालाइज अगर किया जाए तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि ट्रिपल एच के आने के बाद NXT के बड़े स्टार्स जो थे वो शाइन करेंगे। सो केविन ओवेंस की रीपैकेजिंग बहुत कुछ कहती है बैकस्टेज के माहौल के बारे में। रॉक के ऊपर आज कोई भी फालतू सा फिलर सेगमेंट या मैच नहीं था, हर मैच के पीछे प्रॉपर स्टोरी लाइन और रीज़न था। एक बैकस्टेज सेगमेंट में डोमिनिक मिस्टीरियो ने एज को धक्का दे दिया। अच्छा लगा डोमिनिक को गुस्से में देखकर, ये गुस्सा लास्ट वीक का था जब एज ने गलती से डोमिनिक को स्पीयर मार दी थी। एनीवे, मैच होता है यहाँ फिन बैलर वर्सेस रे मिस्टीरियो का। मैच से पहले जजमेंट डे ने प्रोमो कट किया जिसको ऑडियंस में कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। व्हाट व्हाट के चैंट्स लगा रहे थे लोग इस प्रोमो के दौरान। रे मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर का मैच काफ़ी बढ़िया मैच था शो पर। इस मैच के टाइम पर रिंग साइड पर बहुत कुछ चल रहा था। एज आते हैं मैच के बीच में और टू टेक आउट डेमियन प्रीस्ट, और एक बार फिर से क्राउड के बीच में ब्रॉल करते हैं दोनों के ऊपर। ये सेकेंड ब्रॉल थी आज, और इस मैच के एंड में रिया रिपली डोमिनिक को अपने शोल्डर्स पर कैरी करके लाती है स्टेज के ऊपर, जिससे हुई डिस्ट्रैक्शन और फिन बैलर ने यहाँ रे मिस्टीरियो को डिफीट कर दिया। ये स्टोरी लाइन कैसे प्रोग्रेस करेगी इसको ट्रैक कर पाना मुश्किल है। इतना श्योर लग रहा है कि जजमेंट डे वर्सेज मिस्टीरियोज एंड एज होने वाला है क्लैश ऑफ द कासल में, लेकिन डोमिनिक का हील टर्न होगा या रे मिस्टीरियो वर्सेज एज होगा ये आने वाले 2-3 वीक्स में क्लियर होगा। वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ आज रॉ के ऊपर। मैच था इयो स्काई एंड डकोटा काई वर्सेज डाना ब्रुक एंड टमीना का। यहाँ पर विक्ट्री मिली इयो स्काई एंड डकोटा काई की टीम को। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच था बॉबी लैशली वर्सेज चांपा का। ये मैच स्टार्टिंग से UFC वाली फील दे रहा था। चांपा जिस तरह का अटायर पहन के आए थे वो ट्रिब्यूट दे रहे थे जिन्होंने उनको ट्रेन किया है उनको। बॉबी लैशली कितने ओवर हैं अभी क्राउड के बीच ये किसी से छुपा नहीं है, फिर भी ये रूमर्स आ रहे थे कि ट्रिपल एच के आने के बाद अब चांपा लैशली को हरा के टाइटल ले लेंगे। लेकिन इस मैच में लैशली ने हॉट लॉक लगा के चांपा को टैप आउट करवा दिया। रिंग साइड पर मिज थे और इस मैच के बीच में ही मिज और AJ स्टाइल्स ब्रॉल कर रहे थे अगेन क्राउड के बीच में जाके। लैशली वर्सेज चांपा के मैच के बाद रॉ के मेन इवेंट में AJ स्टाइल्स वर्सेज मिज का मैच ऑफिशियल हो गया। यहाँ से मेन इवेंट से पहले दो मैचेस और थे। फर्स्ट वन ओमोस वर्सेज लोकल कंपेटिटर्स का, जहाँ ऑब्वियसली ओमोस जीत गए। सेकंड मैच काफ़ी अच्छा था, चैट गेबल वर्सेज डॉफ जिगलर का। डॉफ जिगलर किसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं है अभी। थियरी के साथ अच्छी स्टोरी चल रही थी लेकिन थियरी खुद समर स्लैम के बाद से गायब चल रहे हैं। इस मैच में विक्ट्री मिली डॉफ जिगलर को। रॉ के मेन इवेंट में नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था AJ स्टाइल्स वर्सेज द मिज का।
ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि विंस मैकमैन के रहते हुए हम ऐसे शोज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस मैच में मिज का रिंग गियर बिल्कुल लोगन पॉल जो समर स्लैम में पहन के आए थे वैसा लग रहा था। इस मैच में चेयर्स, कैंडलस्टिक्स, टेबल्स सब का यूज़ हुआ एंड द मैच वॉज गोइंग प्रीटी अमेजिंग। लेकिन एंडिंग में चैंपा ने इंटरफियर किया और मिज ने एजे स्टाइल्स को कल का स्विंग फिनाले लगा भी दिया, लेकिन स्टाइल्स किकआउट कर जाते हैं और फाइनली एक फिनोमिनल फोरआर्म लगा के इस मैच में विनर बन के निकले एजे स्टाइल्स। रॉ के क्लोजिंग मोमेंट्स में एक वियर चीज़ हुई, रिंग साइड पर दिखाया जाता है कि पुलिस किसी को पकड़ के ले जा रही थी और रॉ पर बैक स्टेज में भी पूरे शो के दौरान बार बार इससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई जा रही थी। पुलिस जिसको पकड़ के ले जा रही थी वो कोई और नहीं, फॉर्मर एनएक्सटी सुपरस्टार जो रिलीज़ हो चुके थे कुछ मंथ्स पहले, डेक्स्टर लूमिस थे। एनएक्सटी में काफ़ी फेमस थे डेक्स्टर लूमिस और मुझे भी ऐसा लगा था मेन रोस्टर पर कमाल कर देंगे डेक्स्टर लूमिस, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। अब इस तरह के पॉजिटिव चेंजेस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कैरियन क्रॉस आए और अब डेक्स्टर लूमिस। स्पीकिंग ऑफ कैरियन क्रॉस, क्लैश ऑफ द कासल में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच अनाउंसड है ड्रू मैकइंटायर वर्सेज रोमन रेंस का। और अभी कैरियन क्रॉस के इस मैच में ऐड होने को लेकर कंफर्मेशन नहीं आई है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, तो हम प्रोसीड करेंगे फिलहाल ड्रू मैकइंटायर वर्सेज रोमन रेंस के साथ। मैच को लेकर बिल्कुल फ्रेश बैटिंग ऑड्स आई हैं और इस बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस एंड मैकइंटायर बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं इस मैच को जीतने के लिए। रेंस के 700 डेज चैंपियनशिप रेन में ये फर्स्ट टाइम है जब ऐसे बैटिंग ऑड्स आए हैं एंड आई थिंक इसको ट्रिपल थ्रेट बनाने के पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रोमन को डायरेक्ट पिन ना करवा के ड्रू मैकइंटायर को टाइटल दे दी जाए। ये स्टोरी लाइन भी कैरियन क्रॉस के आने से इंटरेस्टिंग बन गई है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन विनर हो सकता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, पॉप कल्चर रेसलिंग को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।